उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कई अहम खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की जमीन पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। कब्जा छोड़ने के बदले 1 करोड़ रुपए मांगे थे। इसे लेकर उमेश पाल ने 24 अगस्त 2022 को धूमनगंज थाने में अतीक के 5 गुर्गों पर मुकदमा दर्ज करवाया था। FIR में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद को नामजद किया गया था। खालिद जफर असलहों के साथ लैस होकर उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल को धमकाते हुए कहा था, अतीक भाई का आदेश है, पहले 1 करोड़ दे दो वरना इस जमीन को भूल जाओ। प्रयागराज के झलवा इलाके की एक जमीन को लेकर अतीक ने उमेश पाल से 1 करोड़ रंगदारी मांगी थी। अतीक के भाई अशरफ ने भी एक प्लॉट पर मकान बनाने के बदले 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी मांगने पर उमेश पाल ने अतीक और अशरफ के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और इसी वजह से मर्डर हो गया। उमेश पाल ने रंगदारी देने के बजाय पुलिस में FIR दर्ज करवा दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक उमेश पाल की इस नाफरमानी को बताने के लिए अतीक के 2 गुर्गे साबरमती जेल में मिलने गए थे। पुलिस अब इस थ्योरी पर काम कर रही है कि क्या अतीक ने ही उमेश पाल की हत्या का इशारा किया। 24 फरवरी को शूटर्स ने उमेश पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी।